हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवाइन स्पोर्ट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ISL 2022-23 के सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के फुल एंड फाइनल स्क्वाड और पॉसिबल स्टार्टिंग लाइनअप के बारे में कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की टीम अपने न्यू हेड कोच मार्को बालबुल के अंडर में ISL सीजन 9 में किस फॉर्मेशन के साथ उतर सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको आपके फेवरेट टीम से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोलकीपर्स की। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के सबसे पहले गोलकीपर हैं अरिंदम भट्टाचार्य, जो कि ईस्ट बंगाल FC से इस सीजन साइन किए गए हैं, और दूसरे गोलकीपर हैं मिरसाद मीचू और एक और गोलकीपर हैं निखिल डेका। सेंटर बैक्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने इस सीजन दो फॉरेन सेंटर बैक्स को साइन किया है। पहले हैं डेनमार्क इंटरनेशनल प्लेयर माइकल जैकोबसन और दूसरे ऑस्ट्रेलियाई मूल के आरोन इवांस, जो कि काफ़ी वर्सेटाइल प्लेयर्स हैं। ये डिफेंस लाइन में किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हैं। इंडियन सेंटर बैक्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के स्क्वाड में गौरव बोरा हैं, जो कि इस सीजन ओडिशा FC से साइन किए गए हैं, और एक दूसरे सेंटर बैक्स हैं मसूर शरीफ। बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के विंग्स बैक की, तो लेफ्ट बैक की पोजीशन पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के स्क्वाड में गुरजिंदर कुमार और टोंडोम्बा सिंह हैं, और राइट बैक की पोजीशन पर प्रवात लाकरा और जॉय जोहरलियाना है। डिफेंसिव मिडफील्ड की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के स्क्वाड में जॉन गस्टानागा जैसे स्पेनिश प्लेयर हैं, जो कि लालिगा में लियोनल मेसी और जावी जैसे दिग्गज प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल चुके हैं, और दूसरे एक इंडियन डिफेंसिव मिडफील्डर हैं प्रज्ञान गोगोई। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के सेंट्रल मिडफील्ड में इमरान खान जैसे वर्सेटाइल प्लेयर हैं, जो किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद इरशाद है, जो कि पिछले सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए दो शानदार गोल किए थे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने दो और मिडफील्डर एमिल बेनी और जितिन एमएस को साइन किया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लेफ्ट विंग फॉरवर्ड की पोजीशन पर रोमैन फिलिपोटाक जैसे फ्रेंच प्लेयर हैं, जो कि फ्रांस की लीग वन में काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल खेल चुके हैं। इसके अलावा इंडियन लेफ्ट विंग फॉरवर्ड जोया रोचरजेला है। राइट विंग फॉरवर्ड के रूप में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के पास लालधन माविया और पार्थिव गोगोई हैं। पार्थिव गोगोई जो कि इस सीजन इंडियन एरो से साइन किए गए हैं और अभी हाल ही में हुए सैफ Under-20 चैंपियनशिप में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करके आए हैं। बात करें सेंटर फॉरवर्ड की तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने इस सीजन दो हाई क्वालिटी फॉरेन स्ट्राइकर को साइन किया है। पहले हैं मैट डर्बीशायर, जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल खेल चुके हैं, और दूसरे हैं सिल्वेस्टर रिमाका, जो कि नाइजीरियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के ISL 2022-23 में पॉसिबल स्टार्टिंग लाइनअप की। तो आई थिंक मार्को बालबुल 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ उतरने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जहाँ भी उन्होंने कोचिंग किया है 4-3-3 फॉर्मेशन का ही यूज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोलकीपर्स की। तो अरिंदम भट्टाचार्य फर्स्ट चॉइस गोलकीपर होंगे, और सेंटर बैक्स की बात करें तो आई थिंक मार्को बालबुल प्रीफर करेंगे माइकल जैकोबसन को, और उनका साथ देंगे गौरव बोरा। लेफ्ट बैक पोजीशन की बात करें तो यहाँ गुरजिंदर कुमार स्टार्ट करने वाले हैं, और राइट बैक की पोजीशन पर नो डाउट प्रवात लाकरा स्टार्ट करेंगे। बात करें मिडफील्ड की तो डिफेंसिव मिडफील्ड की पोजीशन पर जॉन गस्टानागा स्टार्ट करने वाले हैं, और इनके साथ दो मिडफील्डर इमरान खान और मोहम्मद इरशाद होंगे। लेफ्ट विंग की पोजीशन पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए स्टार्ट करेंगे रोमैन फिलिपोटाक्स, और राइट विंग की पोजीशन पर आई थिंक मार्को बालबुल प्रीफर करेंगे रोचरजेला को। सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर मैट डर्बीशायर डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर गोल स्कोरर और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो ओवरऑल इस सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के स्क्वाड में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ दिख रही है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के फैंस को इस सीजन ISL में उनकी टीम से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो अगर आप भी एक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी फेवरेट ISL टीम से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल डिवाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।